लड़का लड़की तो उसी टाइम भागे एक मिनट यहाँ में। पे ना मतलब हनुमान वाटिका में शादी अलाउड नहीं है, अंदर जाके देखा तो इनकी जयमाला हो रही है। यही वो जगह है हनुमान वाटिका में जिस जगह लड़का और लड़की शादी कर रहे थे, लेकिन मंदिर की कमेटी ने आकर उनको रोका, पकड़ लिया, और उसके बाद मंदिर की कमेटी ने पुजारी और वकील को तो पकड़ लिया, लेकिन लड़का और लड़की मौके पर से भाग गए। उसके बाद से जो हुआ वो इस रिपोर्ट में देखिए। बोल कैसे रहे आप, ऐसे कोई डाल देगा मंगलसूत्र ऐसे तो ऐसे डालते मंगलसूत्र, अपना जयमाला भी डलवाए, मंगलसूत्र भी डलवाए, मांगसिंह भी डलवाए, सारा कुछ कर करवा के मंगलसूत्र क्यों शादी हो ही नहीं, फिर भागे क्यों है वो, चलो क्यों भागे है वो। यहाँ पे ना मतलब हनुमान वाटिका में शादी अलाउड नहीं है, कोई भी लव मैरिज हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पे वैसे इस्कॉन जी का सत्संग था, हम वैसे ही आए थे यहाँ पे, दीदी और मैं यहाँ पे आया तो देखा जयमाला डल रही है। पंडित जी सुबह के खड़े थे 10 बजे के, इनको देख रहे हम सुबह के, और हमें ये नहीं पता भी शादी के लिए खड़े हैं। अंदर जाके देखा तो इनकी जयमाला हो रही है, और फिर मैंने मुंशी अंकल को बताया, हमारे पंडित जी का नाम ले दिया, भी पंडित जी से परमिशन ले रखी है, तो यहाँ आके पूछो कहते परमिशन नहीं ले रखी, लड़का लड़की भाग गए दोनों। तो आपको कैसे पता लगा कि यहाँ शादी हो रही है? ये इस्कॉन सत्संग था ना आज, हम पता करने गए थे ना भाई यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। मैं मानती हूँ ना सादा किशन जी को, कितनी उम्र रही होगी लड़का लड़की की? लड़की दिखने में तो एज कम लग रही थी, बाकी तो देखो डॉक्यूमेंट से पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो पुलिस को किसने यहाँ? मैंने बुलाया था। आपने बुलाया था? किस नंबर पे कॉल की थी? 112 नंबर। तो यहाँ उस टाइम कितने लोग मौजूद थे? और सारे थे हमारे संस्था वाले थे पंडित जी, सारे थे। तो कोई फोटो या वीडियो आपने शूट करी? फोटो है हमारे पास। अच्छा, हाँ जी। तो ये दिखा दो कौन सी फोटो है, दिखा दो आपका नाम और डेजिग्नेशन के साथ। मेरा नाम डॉक्टर किरण, ये रही फोटो। यार थोड़ी पीछे कर ले यार, हम भी कर रहे हैं। इधर दिखाओ एक बार। हम वाटिका में बैठे हैं। लड़का लड़की तो उसी टाइम भागे एक मिनट में। वो तो वैसे देख लिया ऊपर से। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? बस 5 मिनट में आ गई थी पुलिस भी। पुलिस को फोन करा उसी टाइम ही आ गए। वकील साहब भी यहाँ मौजूद थे? वकील साहब को बाद में बुलाया पंडित जी ने। अच्छा। वो भी पंडित जी के तो ऐसे से हाथ कांप रहे थे जब हम बात कर रहे थे। पहले मेरे को कहते मैंने परमिशन ले रखी है, वो तो मैंने बाद में जब बताया इन इसने पंडित जी ने बोला था भी हमने पंडित जी से ले रखी है। यहीं के हैं बाहर के हैं? नहीं पता नहीं है कहाँ के कहाँ के नहीं है। हमारी मंडप वगैरह लगाया हुआ था वहाँ अंदर, हनुमान जी की मूर्ति है वहाँ पे, जयमाला कर रहे थे ये, जयमाला हो रही थी तभी फोटो उतारी थी ये दीपा मैडम है, इन्होंने उतारी थी फोटो। तो कुछ नाम वगैरह पता है बच्चों? नहीं नाम नहीं पता हमें, वो वकील साहब को बताएंगे ना जी। तो वकील साहब का क्या रिलेशन है, आपको क्या पता उनसे? पता नहीं, ये तो पंडित जी ने बुलाया था, भी वकील साहब को बुलाता हूँ मैं, भी उन्होंने भेजा मेरे को। ठीक है तो आए वकील साहब। ठीक है जी सर, आपका नाम बताया जा रहा है कि आप मौके पर मौजूद थे, लड़का और लड़की की शादी से पूरी 7 दिन हुए सर, अभी पूरी शादी हुई नहीं पूरी। तो क्या कहाँ तक हुई थी शादी? शादी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। अच्छा, तो क्यों खड़े थे वो लड़का लड़की आपके पास? शादी करने के लिए खड़े थे जी। तो ये जयमाला वगैरह हो गई है जैसे? हाँ। तो जयमाला फेरों के बाद होती है, फेरों से पहले होती है? जयमाला तो फेरों से पहले होती है। अच्छा, तो फेरे कब होने थे? फेरे तो हुई नहीं अभी, हुई नहीं। हाँ। तो आपको किसने बुलाया है शादी कराने के लिए? मेरे को तो एडवोकेट साहब ने भेजा था। अच्छा, तो आप कहाँ पे, क्या नाम है आपका पूरा? नीरज शास्त्री। नीरज शास्त्री, कहाँ पे पंडित हैं आप वैसे, मेन पंडित कहाँ पे होते हैं? शास्त्री शास्त्री हो अगर। अच्छा जी, तो फिर आप क्या उनके डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किए कि कितनी उम्र थी? एडवोकेट साहब ने चेक करके थे, तो उनके पास है। आपने नहीं देखे डॉक्यूमेंट? नहीं मैंने नहीं देखे। क्या नाम था लड़का लड़की? मैं करोड़ा से। तो आपने नहीं देखे डॉक्यूमेंट? मैंने 5 मिनट का टाइम तो मिला भी नहीं, तभी ये आगे कमेटी वाले ये बोल रहे हम प्रेम विभाग के खिलाफ है। कौन सी कमेटी वाले? जो इस मंदिर की कमेटी के। तो आपने परमिशन ली थी? मेरे को पता नहीं था भाई यहाँ परमिशन लेनी होती है। यहाँ की कोई संस्था मतलब कमेटी? कमेटी के अंदर तो है ही नहीं था, तो पीछे था मतलब मंदिर के पीछे है वहाँ पर, ये मतलब इनका तो कोई इंटरफेयर है ही नहीं है सार्वजनिक का। तो कहीं भी करवा भाग्य लड़का लड़की जब सब ठीक हो रहा था वो तो इन्होंने पीटने लग गए, इसलिए भाग गए। तो मेरे को पीटने लग रहे थे ये कमेटी वाले। अच्छा, आपको भी पीट रहे थे? पीट रहे थे। तो आपने क्या कहा, क्या कह के जान बचाई? भाई मैं वकील साहब को बुला रहा हूँ अभी, मैं कभी भाग थोड़ी रहना हूँ, मेरी बाइक इनके पास है जी। ये आप 108 एम्बुलेंस से संत मुकेश है जी। हनुमान वाटिका में एक मामला सामने आया था, क्या कुछ जानकारी है? हमारे पास कंट्रोल से विटी आई थी जी, वहाँ ऐसे नाबालिग लड़की की शादी करवा रहे हैं भाई, वहाँ पहुँचो फटाफट जी।
तो यहाँ आने के बाद क्या कुछ आपको दिखा? यहाँ ये तो सर ये वकील था यहाँ पर उस टाइम, और ये पंडित जी थे। अच्छा। लड़का लड़की यहाँ से जा चुके थे। तो लड़का लड़की की कोई फोटो वीडियो सामने आई? हमारे पास तो कोई नहीं है जो। अच्छा, तो पुलिस की ओर से आगामी क्या कार्रवाई की गई अभी? ये सिविल लाइन थाने से आई आया हुआ जी बुला रखे है, वो पूछताछ कर रहे हैं उनसे, वकील से और पंडित जी से। ठीक है, एएसआई अनिल कुमार, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन कथल। हनुमान वाटिका में एक मामला सामने आया था, शादी से संबंधित था, क्या कुछ मामला है? अभी कुछ समय पहले हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ पर शादी कर रहे हैं विदाउट परमिशन के, तो हम मौके पे आए हैं। यहाँ पर आके पूछताछ जारी है, अभी कोई कंप्लेंट किसी उससे प्राप्त नहीं है, मौके पे अभी कर रहे हैं जैसे कि जो। तो मौके पे आपको आकर क्या क्या मिला सर, क्या सीन ऑफ क्राइम क्या था? अभी तो यही था, ये जो एडवोकेट साहब हैं इनकी शादी के लिए कि ये पंडित जी थे बैठे हुए हैं, तो इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। तो पूछताछ में कुछ सामने आया हो, कहाँ से? अभी जारी है, अभी इसके बारे में नहीं बोल सकते। लड़का या लड़की कौन थे, क्या नाम थे, कहाँ से थे, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो पूछताछ कर रहे हैं। वकील साहब ने कोई डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराए कि? हाँ, वो मंगवा रखे रखे हैं, अभी उसको चेक कर ले। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि अंडर एज शादी का मामला लग रहा है क्या? अभी तो बताया तो यही गया है कि दोनों मैच्योर हैं, लेकिन यहाँ संस्था की तरफ से अलाउड नहीं था। मतलब संस्था की कंप्लेंट है कि यहाँ पे शादी हो रही है? हाँ 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 हाँ, इनके बाकी तो अभी तक कोई बात ऐसी आई नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं आया हमारे पास। तो सूचना आपको दुर्गा शक्ति ने 112 में दी? हाँ, टेलीफोन के माध्यम से सूचना मिली थी, और हमारी पुलिस पार्टी भी पहले से यहीं आई हुई थी, तो हम मौके पे जांच कर रहे हैं। और जैसे जिन लोगों की शादी हो रही थी अगर वो नाबालिग हैं, तो किन किन लोगों पर कार्रवाई बनती है जो इसमें इन्वॉल्व थे? वो तो नियमानुसार जो जैसी कार्रवाई होगी वो की जाएगी।